वेलकम टू पूनम की प्यारी दुनिया। फ्रेंड्स, पूनम की प्यारी दुनिया मतलब ये है कि कुछ अच्छा सा, कुछ सस्ता सा और कुछ आसान सा जो कि सब कोई कर सके। जी हाँ, आज बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाएंगे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो सभी लेडीज के पास कुछ उनकी प्रिय बैंगल्स होती है, तो बहुत दिनों से ये सोच के हम रखे रहते हैं पहनेंगे, बहुत ही प्रिय होती है, उनको फेंक भी नहीं पाते हैं और पहनते भी नहीं हैं। तो आज इन बैंगल्स का यूज करेंगे, इस तरह से रखेंगे कि ये हमारे काम आएंगे, हम इनको फेंकेंगे भी नहीं और इन फ्यूचर इसको कैसे ज़रूरत पड़ेगा तो काम भी ले सकते हैं। तो चलिए इन बैंगल्स को यूज करके कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो ये बैंगल्स मैं यूज कर रही हूँ आज, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप अंत में भूल जाते हैं। शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आइडिया मुझे आया जब मेरी ये बैंगल्स इस तरह से ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई थी बहुत दिनों से, तो वहीं से ये मुझे आइडिया आया। अब नया साल शुरू हो गया तो सबके घर में ये कैलेंडर, पुराने वाले कैलेंडर वगैरह तो होंगे ही, और नहीं तो ये बहुत सारे ग्रीटिंग्स कार्ड या शादी वगैरह के कार्ड वगैरह आते रहते हैं। तो इन कार्ड को यूज़ किया है मैंने। और बैंगल्स के नाप का ये देखिए, मैंने एक सर्कल कट कर लिया है। तो ये मैंने एक सर्कल कट कर लिया है और एक कार्ड को इस तरह से रोल करके, ये कुछ इस तरह से रोल करके बैंगल्स का नाप ले लेंगे और फिर इसको यहाँ से चिपका देंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने एक ये प्रिपरेशन कर लिया है, एक मोटे कार्ड को लेके और चिपका दिया। मैं फेविकोल से चिपका रही थी, नहीं चिपक रहा था तो थोड़ा और मजबूती देने के लिए मैंने इसमें सेलो टेप भी लगा दिया है। और ये जो पेपर का सर्कल कट किया था ना, तो इसके इतने दूर तक मैं ये फेविकोल लगा दे रही हूँ। और बहुत ही आसान चीज़ें बताती हूँ आपको, तो लाइक करें। और क्या अभी तक आपने गेस कर लिया है कि ये क्या बनने वाला है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करें, मैं बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताने वाली हूँ। तो ये इस तरह से हमने फेविकोल लगा दिया। और अभी ये मेरे पास एक कड़ा पड़ा हुआ था जो लड़के लोग पहनते हैं अक्सर, मंदिर वगैरह किसी स्थल पर जाते हैं तो ले आते हैं, थोड़े दिनों में ख़राब हो जाता है शौक के मारे। उसके ऊपर मेरी एक ये चूड़ी पड़ी हुई थी और फिर इसको मैंने स्टिक कर दिया इस पर। ये थोड़ा भारी है तो इधर उधर खिसकेगा भी नहीं और ये बेस का काम करेगा। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली स्टिक हो गया है। और इसके किनारे किनारे जो गम लगा है उसके ऊपर, इसके एक किनारे पे मैंने यहाँ भी फेविकोल लगा दिया, आप चाहे तो फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको मैंने स्टैंड कर दिया, ये थोड़ी देर में स्टिक हो जाएगा। ये देखिए ये चिपक गया। और ये मेरे पास 8-10 साल पुराना चूड़ा पड़ा हुआ है, बिल्कुल नया जैसा दिखता है, मैं फेंक भी नहीं पाती हूँ, तो मैं तो इसको एज इट इज इसको इसमें पहना दे रही हूँ। तो चलिए इसको पहनाते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने सारी चूड़ियों को पहना दिया, ये थोड़ा सा हिस्सा बच गया। तो आप इस पेपर को कट करके निकाल सकते हैं या फिर यहाँ पे कोई लेस वगैरह लगा सकते हैं, बचा वाला पुराना वाला। और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका तो मैं और कर रही हूँ कि एक मेरा रबर बैंड है उसको मैं बस जस्ट इसके ऊपर पहना दे रही हूँ। और ज़्यादा ये आसान हो गया, कोई झंझट नहीं। अगर आप इनको रिप्लेस करके दूसरी चूड़ियों को भी पहना सकते हैं, बहुत दिनों से मन उठ जाए या इस तरह के और भी बना सकते हैं। ध्यान रखें बस इस बात का कि इसमें थोड़ा कांच की चूड़ियाँ लेने से, अगर ये कभी इस तरह से गिरता है तो टूटने का डर रहता है, तो भी कई बार टूट जाता है तो निकाल सकते हैं। तो है ना बहुत ही खूबसूरत सा ये ऑर्गेनाइजर हमारा रेडी हो गया। और ये देखिए, जब मन करे तब इसको हटाइए और इन चूड़ियों को निकाल के आप चाहें तो यूज भी कर सकते हैं। और इसके अंदर में आप चाहें तो पेन रख सकते हैं, अपने मेकअप के सामान रख सकते हैं, किस कोई भी चीज़ को ऐसे एज ए ऑर्गेनाइजर, सुंदर भी लगेगा आपके ड्रेसिंग पे। कैसा लगा आइडिया, बहुत ही सिंपल सा, तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।